राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भागलपुर के शिक्षण संस्थान समेत विभिन्न जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसको लेकर भागलपुर नाथनगर स्थित रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय प्रांगण में शुक्रवार को युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया और देश दुनिया को उनके द्वारा दिए गए संदेश एवं आदर्श को अपने जीवन में आत्मसात करने की बात कही गई। युवा दिवस कार्यक्रम में अनाथालय शिशु घर में कार्यरत कुमारी अनुश्री और दीपराज भारती ने कहा कि विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दौरान अनाथालय परिसर के सदस्यों और बच्चों ने भी उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दीपराज भारती ने बच्चों को बताया कि स्वामी विवेकानंद माँ काली के परम भक्त आचार्य रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उनके प्रेरणादायक विचार से पूरी दुनिया प्रभावित हुई, जबकि ऐसे युवा शक्ति के कई विचार न सिर्फ भारतवासी के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। साथ ही कहा कि विवेकानंद के उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लो का संदेश पूरी दुनिया को बहुत ही भाया, जिससे युवाओं के साथ हर कोई अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सजग होकर आगे बढ़ सके। इस दौरान सभी बच्चों के बीच टॉफी बिस्किट का वितरण किया गया। मौके पर विश्वनाथ यादव, गौरव सागर, हर्ष, पिंकी, रजनी समेत कई लोग मौजूद थे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को भागलपुर के आनंदराम ढिंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर की ओर से शहर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और स्वामी विवेकानंद की झांकी निकाली गई। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों के बीच विवेकानंद के संदेश को साझा किया। वहीं विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा विद्यालय में समरसता भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों और विद्या भारती परिवार से जुड़े शिक्षकों एवं कर्मियों को भी शामिल किया गया। इधर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं की बैठक हुई, जिसमें विद्यालय और समाज के प्रति दायित्व को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सामाजिक चेतना और गरीब छात्रों को सहयोग प्रदान करने के लिए आगे आने की बात कही गई। वहीं आगामी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन समाज को जागरूक करते हुए हर घर दीपोत्सव एवं उत्सव मनाने की बात भी कही गई। कार्यक्रम में अनंत कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमें स्वामी विवेकानंद की जीवनी से सीख लेना चाहिए और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को आत्मसात करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने युवाओं को देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कही। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत नौलखा गेट के समीप शुक्रवार की दोपहर असंतुलित होकर एक टोटो पलट गया, जिससे टोटो चालक समेत उसमें सवार 3 युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि एक बाइक को बचाने के प्रयास में टोटो पलट गया, जिसके बाद इस घटना में घायल 4 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में टोटो चालक के हाथ में गंभीर चोट आई है, जबकि 2 युवती को सिर में चोट लगी है। बताया गया कि घटना के वक्त मनाली चौक से तिलकामांझी चौक की तरफ जा रही तेज रफ्तार बाइक को बचाने के चक्कर में तिलकामांझी की तरफ से मनाली की ओर आ रही ई रिक्शा अचानक पलट गई, जिसके बाद सड़क के किनारे खड़ा एक और टोटो भी क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार तुरंत मौके से फरार हो गया। इधर ई रिक्शा चालक की पहचान लालूचक अंगारी निवासी पवन कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायल युवती काजल ने कहा कि वह डॉक्टर को दिखाने के लिए बरारी से नाथनगर की ओर जा रही थी, तभी इस हादसे की शिकार हो गई। इधर पूरे मामले को लेकर तिलकामांझी थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन ने बताया कि उन्हें घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हम इधर से आ रहे थे सर, उधर से मोटरसाइकिल, ये साइड मेरा जाने का है कि नहीं, ये साइड है ना भैया, मोटरसाइकिल उधर से आने का कौन साइड है, वो साइड है ना, वो एक वैगन से आ करके हम पैसेंजर और गाड़ी बचाने के लिए मेन रोड पे पलटी मारता, तो हम इधर अपना साइड है ना घुसाएंगे भैया की रॉन्ग साइड में पलटाएंगे। बोलिए गाड़ी को हम ब्रेक मारते मारते, मतलब ब्रेक मारते मारते ऐसे किए गाड़ी से पलटी हो गया, वो मोटरसाइकिल सटा के निकल गया। ऐसे तुम्हारी गलती है कि नहीं? मेरा कोई गलती नहीं भैया,
मेरा कोई गलती नहीं है। और पैसेंजर का क्या चोट लगा है कि तुमको भी चोट लगा? हमको तो चोट यहाँ भी लगा, खटा पटा यहाँ भी चोट लगा। पैसेंजर को हल्का फुल्का लगा। क्या नाम है तुम्हारा? रवि कुमार नाम। किधर से किधर? भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय परिसर में वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघ के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के समस्त अनुदानित संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने शांतिपूर्ण धरना सभा के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपनी बातें रखते हुए अनुमति एवं सहयोग प्रदान करने की बात कही। वहीं वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघ विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न शैक्षणिक सत्रों के लिए काफी विलंब के बाद परीक्षा फल आधारित अनुदान जारी किया जाता है, जिससे विश्वविद्यालय स्तर पर इसे विमुक्त करने में काफी विलंब होता है और इस कारण समृद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इसको लेकर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा फल आधारित अनुदान की प्रथा समाप्त करने और घाटा अनुदानित व्यवस्था लागू करने के लिए अनुदान के बदले वेतन मान लागू करने की अनुशंसा करनी चाहिए। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त रूप से राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों के द्वारा जो प्रताड़ित किए गए हैं, दंडित किए गए हैं हमारे शिक्षक कर्मचारी, उन आदेशों को यथाशीघ्र वापस लिया जाए, नहीं तो उसी के विरोध स्वरूप हम लोग 9 तारीख को काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शित किए थे। पुनः हम लोगों का निर्णय था फुटाब का, फुस्टाब का और शिक्षकेतर कर्मचारियों के महासंघों का निर्णय था, तो हम लोग संयुक्त रूप से उपस्थित होकर के राज्य सरकार के उन आदेशों का, जिन आदेशों से अलोकतांत्रिक और संवैधानिक जो आदेश है, जो नियम परिनियम के विरुद्ध है, उन आदेशों को वापस लेने के लिए यह विरोध प्रदर्शन किया गया है, धरना दिया गया है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलकामांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर में सर्जेंट अभिषेक कुमार के मौत की गुत्थी पुलिस अब तक सुलझाने में नाकाम नजर आती दिख रही है, जिसको लेकर शुक्रवार को मृतक सर्जेंट के परिवार वाले न्याय की गुहार लगाने जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचे। पुत्र की मौत की पीड़ा कहीं न कहीं परिजन वालों को अवसाद ग्रस्त कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में तैनात MT प्रभारी सर्जेंट अभिषेक कुमार की 28 नवम्बर को मौत हो गई थी, जिनके शव को संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने बरामद किया था। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस लाइन के मुंशी पर गलत तरीके से पैसा का घपला करने और बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने DSP लाइन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की जानकारी DSP लाइन को पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, जबकि उनके पुत्र ने जब इसका विरोध किया तो रहस्यमयी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले को लेकर जब हमने DSP लाइन संजीव कुमार से बातचीत की तो उन्होंने टेलीफोन पर खुले तौर पर बताया कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है और विधि संगत कार्रवाई भी
की जाएगी। गौरतलब हो कि सर्जेंट की मौत को 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पूरे मामले की सच्चाई अब तक सभी के सामने नहीं आई है। वहीं पीड़ित परिजनों ने इससे पूर्व DIG विवेकानंद और जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के दफ्तर का कई बार चक्कर लगा चुके हैं। उन्होंने बिहार DGP से इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच करने की मांग भी की है। SP हमको बेटा के मार के और लटका दिया, पहला पे उसका ही कॉल कर रहा है, उसको कॉल का चेक नहीं किया जा रहा है। DSP का हम मुंशी दोनों मार के ऐसे कर दिया, माथा पर लड़का का चोट भी है मारा है से। किस मामले की बात कर रहे हैं जो अभी इधर मौत हुई थी? हाँ, मौत हुआ है। अच्छा, आपके जो अभिषेक बेटा है? बेटा है। हाँ। किस पद पे थे? अभी सार्जेंट था। अच्छा, कौन मारा है? लैंड DSP और मुंशी ने मिल के मारा है, संजय है, गेट तोड़ा है संजय। लेकिन वो तो आत्महत्या है, आप नहीं मार के टांगा गया है सर। गेट तोड़ने का वीडियो तक नहीं हम लोग को दिया गया? गेट के हमको वीडियो नहीं, फांसी पर से उतरा है उसका वीडियो नहीं, कहाँ से हमको लड़का के माथा पर के चोट के निशान है। आखिर आप पुलिस आपके की हत्या हुई है? हत्या एकदम पूरी हत्या सर। CD और पुलिस को क्या कारण लग रहा है हत्या का? सर तेल कूपन वही अति हुआ, तेल का फर्जीवाड़ा कर रहा था। आसाम के कोकराझार स्थित स्टेडियम में खेलो इंडिया जोनल वुशू वुमेन लीग का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर वुशू संघ की ओर से शामिल जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किया। इस दौरान भागलपुर माउंट कार्मेल स्कूल 11वीं की छात्रा अर्पिता दास ने तलवार चालन के एक इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जबकि जिया कुमारी दाइची तलवार चालन में रजत पदक और कृतिका आनंद ने प्रतियोगिता में 5वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा सब जूनियर वर्ग में आध्या ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। इसको लेकर भागलपुर वुशू संघ के महासचिव राजेश कुमार शाह ने बताया कि इन सभी खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से राज्य और जिले का नाम रोशन किया है, जिससे आने वाले दिनों में बेहतर तैयारी कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं खिलाड़ियों के द्वारा मेडल जीतने पर भागलपुर वुशू संघ के पदाधिकारियों ने स्कूल परिवार और छात्राओं को बधाई दी। भागलपुर के सुल्तानगंज में स्थित AK गोपालन डिग्री कॉलेज का 44वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्रिंसिपल उमेश प्रसाद ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के सचिव अर्जुन प्रसाद एवं कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज कुमार मंटू मौजूद रहे। इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल एवं सचिव अर्जुन प्रसाद ने केक काटकर सभी को खिलाया और स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का मंच संचालन शंभुनाथ साह ने किया। मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर चंदन कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार मंडल, प्रोफेसर आलोक कुमार आनंद समेत सैकड़ों छात्र एवं छात्रा मौजूद रहे। भागलपुर सुल्तानगंज के यात्री निवास सीतारामपुर के प्रांगण में आगामी बजट को लेकर वार्ड 19 की पार्षद रीना देवी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आम बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद सुल्तानगंज के प्रतिनियुक्त कर्मी मनोज कुमार की देखरेख में वार्ड 19 की जनता के साथ संयुक्त बैठक कर जन समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान वार्ड 19 के पार्षद प्रतिनिधि टिंकू कुमार ने बताया कि वार्ड के सीतारामपुर, विंद टोला, मांझी टोला, गंगापुर एवं आदर्श नगर की जनता के साथ चर्चा कर जल जमाव, नाला, पार्क, साफ सफाई सहित अन्य समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर प्रोफेसर संजय कुमार मंडल, डॉक्टर राजेंद्र पोद्दार, मुकेश कुमार, पुरुषोत्तम कुमार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे।